तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर कार फॉर सेल गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज अपने को काफ़ी सारे काम करने हैं, ठीक है। पहले तो अपने को सुपर कार बाय करने, काफ़ी सारी सुपर कार जितने भी हो पाएगा ना, सारी सुपर कार बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार मैंने एक कार है, मैंने जब ऑप्शन में देखा, आपको पता होगा पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि अपने सब कुछ चला गया था, ठीक है। तो यार मैंने अब जस्ट वापस स्टार्ट किया था ना, ठीक है। तो मैंने एक दो दिन पहले ऑप्शन पर देखा था कि यार एक लिटरली एक काफ़ी सुपर एकदम मस्त सुपर कार देखी थी मैंने यार। उसकी आई थिंक प्राइस थी भाई 15 लाख, ठीक। उस स्टार्टिंग प्राइस उसकी 15 लाख थी, एकदम मस्त सुपर कार थी। तो वो कार अपने को खरीदे, लेकिन उस टाइम यार अपने पास ओनली 2000 रुपये ही थे। और यार कहाँ 2000, कहाँ 15 लाख, देखो मतलब काफ़ी सारे। तो अभी तो अपने पास काफ़ी सारे पैसे हो चुके हैं और आज अपने को काफ़ी सारे काम भी करने हैं। तो देखो आज अपने पास है 43 लाख रुपये, ठीक है भाई। और उसके साथ अपन को यार क्या करना है, देखो अभी तो कार मैंने सिर पर लगा रखी है, ठीक है। उसके साथ अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो अपना ऑफिस है उसको बड़ा करना पड़ेगा यार। पहले अपना सब कुछ चला जा चुका है, मतलब अपने को ऑफिस अपग्रेड करना भी तो पहले, ठीक है। उसके बाद मतलब अपने कार सुपर कार बाहर के बाय करनी है। और हाँ यार, मैंने देखो मैंने टैबलेट बाय करी और काफ़ी सारी मतलब स्किल भी ओपन कर ली है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, अपने जो ऑफिस है उसको अपग्रेड करते हैं। क्योंकि यार कार खरीदते हैं ना तो इसमें मतलब टोटल कार आ नहीं पाती, क्योंकि यार कितना छोटा सा स्पेस है, ठीक है। तो इसको अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो पहले काम करते इसको अपन अपग्रेड कर लेते, ठीक है। घर को तो इतना अपग्रेड नहीं करेंगे, घर को तो बिना अपग्रेड करे भी चल जाएगा, क्योंकि घर पे तो सोना सोना होता है। अब इसको मैंने सेल पे लगा रखा है, ठीक है, अपने पास एक का। तो ऑफिस को अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ऑफिस का साइज़ कितना है। ये टो वाला मैं खरीदने वाला हूँ भाई, क्योंकि जैसे अपन कार खरीदते हैं ना कार मार्केट या फिर नेबर्स के पास, मतलब एक साथ कार खरीदते हैं ना, तो यार उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराने में सही रहेगा। बाकी अभी ऑफिस को अपने को पूरा लार्ज करना है भाई। ये देखो सीधे भाई 10 लाख रुपए तो सीधे सीधे गए। ये देखो भाई अब थोड़ा साइज़ बड़ा हो चुका है। और इसकी ये वाली है नहीं, इसको मैं अपग्रेड करवाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी अभी कस्टमर आए हुए हैं, इनको अपन ये कार सेल कर देते हैं, ठीक है। कि भाई मैं अभी ओनली रिपेयर वपेयर करा के डायरेक्ट सेल करो भाई, इतना इन पर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि पेंट वेंट अपन अभी करवाएंगे, ठीक है। तो अभी अपने को फर्स्ट में प्रॉफिट बनाना था भाई। अभी अपने पास 34 लाख रुपये भी हैं, ठीक है। चलो भाई अभी ये चलो एक स्किल का भी ओपन हो गया है। स्किल का भी मेरे को दिखता है कि ये तो अपन ओपन नहीं कर सकते, मे बी ये भी ओपन नहीं कर सकते। अभी अपने को दो चाहिए, दो होंगे ना तभी अपन ओपन कर सकते हैं, दो तो अपने पास है नहीं स्किल के, कोई नहीं तो। और हाँ यार देखो अनपेड बिल का भी ऑप्शन आया, तो अपने को बिल भी पे करने पड़ेंगे। बाकी इसका नाम का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैं भी करूँगा। पहले काम करता हूँ, जो अपन बिल का देखते हैं भाई लिटरली कितने बिल का आ रहा है। मैंने अभी तक एक बार भी बिल पे नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे भाई बिल्कुल भी, ठीक है। और मैंने लोन नहीं लिया। ओ भाई देख रहे हो कितने का बिल आ रहा है, 3.5 लाख का तो बिल आ रहा है भाई। लिटरली इतने पैसे अपने कमा लिए। ओनली देखो 29वां दिन और आज 29वें दिन क्या था, अपने कम से कम भी अप्रोक्स 50 लाख कमा लिया। मतलब कि 4 दिन अपने को हो गए थे वहाँ पे, तो अपने कम से कम 25 दिन के अंदर 29 मतलब 50 लाख, 25 दिन के अंदर 50 लाख का प्रॉफिट कमाया भाई, देख रहे हो। चलो भाई इसको बिल वे पे कर देते, 25 दिन के अंदर 50 लाख, मतलब दुगुना पैसा डबल 25 दिन के अंदर, ठीक है भाई। तो अभी अपने को क्या करना है। और हाँ यार मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यार, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी थी, पहले काम करता हूँ मैं ऑफिस को थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे। अब तो वैसे भी अपने पास काफ़ी पैसे हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं अपग्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। अरे हाँ ये टो वाला तो मैंने खरीदा नहीं भाई, ये तो ज़रूरी है, 300 लूट कर ले देता हूँ। चलो भाई अब 3,90,000 बचे, तो 90,000 में ये वो 30 लाख 90 बचे, तो 200 रुपये डेकोरेशन कर देते हैं, ठीक है। इन डिज़ाइन को तो इतना मैं यूज़ नहीं करता, आउट डिज़ाइन का देखता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट में देखते हैं, ये अपने को फर्श नहीं लेनी आउट डिज़ाइन पे। इस पर क्या है, हाँ ये वाला मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा कर देता हूँ यार, क्योंकि यार अजीब सा लगता है ये वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, हाँ ये वाला लकड़ी का सा लगेगा फिर, नहीं नहीं ये वाला, हाँ ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हाँ ये नीचे का ये देख रहे थे, ये थोड़ा ऐसा फर्शाक है, ये भी नहीं, ये भी ठीक ठाक ठाक, हाँ ये मेरे को सही लग रहा है ये वाला। चलो ये वाला अपन कर देते हैं। इन डिज़ाइन तो इतना कुछ करते नहीं अपन, ठीक है। बाकी हाँ इसका नेम है, थोड़ा नेम थोड़ा सा अच्छा कर देते ना। इसका कलर मेरे को चेंज करना है नेम का, हाँ कैसा करूँ जो कि इस पर अच्छा लगे। कौन सा सही लगा, ये ब्लू तो अच्छा नहीं लगा, चलो ब्लू कर देते थोड़ा सा, हाँ चलो ये कर देते। वाइट इतना सही है ना। चलो ये अपना हो चुका है एकदम, ये सब तो अब पहले से यार काफ़ी सही लग रहा है, मतलब पहले अजीब सा लग रहा था ना, अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना, हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था। तो आज तो कार ऑप्शन भी ओपन नहीं है ना, और कुछ ओपन है, तो अभी तो अपने पास नेबर्स के पास जाना पड़ेगा, तो वहीं से अपने को कार खरीदनी पड़ेगी लिटरली, ठीक है। तो हाँ घर को तो अभी अपडेट नहीं करेंगे, घर को तो ऐसे भी काम चल जाएगा, ठीक है। और हम आपको एक चीज़ दिखा रहा, चलो यहाँ पर मस्टैंग मिल गई है, मस्टैंग भी, और इधर कौन सी, इधर कोई ऐसी कार नहीं है, तो यहाँ पर मस्टैंग है। ये वाली कौन सी कार है भाई, ये तो दिखनी मच्छी, अच्छा अलो इसके अच्छे है भाई, देखते इसके प्रॉफिट
अपने आने वाला होना चाहिए भाई। 10,000 वाली कार अपन नहीं कर देंगे क्योंकि इसमें यार इतना प्रॉफिट नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक मस्टैंग है, वहाँ पे भी एक मस्टैंग भाई, दो मस्टैंग भाई यहाँ पे पास पास में। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे मस्टैंग अपने को यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, 39 में बोल रहे, तो इसको मैं 35,000 दूँगा, 35,000 में मान जाएगा मेरे को लगता है, लगता नहीं है भाई, मान जाएगा 35,000 में। ठीक है, तो चलो इसको कम 35,000 का अपन ऑफर देते हैं। चल भाई मान गया है 35,000 में, ये 35,000 में अपने पास ये मस्टैंग आ चुका, और ये वाले मस्टैंग मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि यार प्रॉफिट बनाना अपना काम है, तो प्रॉफिट तो अपन बनाएंगे। ठीक है, इसमें आके मैं थोड़ा बहुत डैमेज, तो उनको डैमेज को अपन रिपेयर करवा लेंगे। बाकी भाई अभी वो 35 की 39 को मैं 40 बोलता हूँ भाई, इतने ज़्यादा किस बात के पैसे, सामने सामने तो है कार। चलो इसको मैं 40 दे दूँ, इसमें डैमेज 4% डैमेज है, 2% हो कुछ। चलो ये 40 में मान गया, वो 35 है भाई, उसके तो अलावा भी अच्छे थे, इसके तो अलावा भी अच्छे नहीं है। चलो इसमें देख लेते, इसमें थोड़ा बहुत डैमेज है, उसमें देखता हूँ कितना डैमेज, जिसमें ज़्यादा डैमेज होगा उसको मैं भेज दूँगा। ठीक है ना, जिसमें कम डैमेज होगा उसको से दिखाऊंगा आपको चीज़, इसमें ज़्यादा डैमेज तो इसको मैं भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, इसको अपन पैर के लिए भेज देते हैं भाई। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था ना, वो अभी इसमें दिखाता हूँ, इस वाली कार में, इस वाली मस्टैंग में। ठीक है भाई, लिटरली मैंने भी कल रात को गेम खेल रहा था तब मैंने देखी। देखो अब इसको अपन स्टार्ट कर दिया, आप देख लेना। चलो इसको चलने देते हैं, इसको यहाँ पे आगे सीधे होंगे यार, यहाँ पे थोड़ा सा इस वो है ना, नेबर्स है ना, सिटी है ना, तो यहाँ पे ठुक ठुक जाएगी, इसके अपन रिस्क नहीं लें। बाकी यहाँ पे कार देख ले, तो कार मिलेगी तो वो अपन खरीद लेंगे। कौन सी है भाई यहाँ पे, एस क्लास, इसमें अच्छा प्रॉफिट है भाई, BMW मर्सिडीज की है ना ये, हाँ ये वाली मर्सिडीज की, इसको मैं खरीदता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ देखी थी यार मैंने फरारी में, वो भी मैं आपको दिखाता पहले, वो भाई 1,00,000 की, इसको मैं 90,000 का देता हूँ। 90,000 मान जाएगी तो सही नहीं, इसको अपन पहचान में तो मान जाएगी, 10,000 में तो इतना, हाँ चलो 90,000 मान गई है। चलो भाई इसको भी अपन को रिपेयर के लिए भेजना है, तो इसको रिपेयर के लिए भेज देते हैं। हाँ वो सही, और मर्सी, और जो आती है ना अपनी फरारी, उसमें भी एक चीज़ देखी थी यार मैंने, वो आपने नोटिस नहीं किया गया आई थिंक, मैंने नोटिस किया, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। इसको अपन एक काम करता हूँ, अरे अरे ठुक गई भाई, चलो कोई नहीं, वैसे ठुकी हुई थी पहले से, वो ठुक गई। अब देखना इस तरफ से लेके चल रहा हूँ, इस तरफ से थोड़ा लंबा रास्ता, अरे 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 ठुक, देखो तो अरे ये ठुकी ठुक रही है भाई ये। चलो इसको इस तरफ से लेके चलता हूँ, इस तरफ से है ना थोड़ा लंबा रास्ता रहेगा ना, उसमें इजी रहेगा। अब देखना, अरे ये सामने से कहाँ पे, अब देख एकदम चल रही है ना, अब स्पीड स्पीड को नोटिस करना, और मैं ना अब इंजन बंद कर दूंगा। देखो अब इसको क्या है, अब देखो मतलब इंजन बंद कर दिया मैंने, ठीक है फिर भी चल रही है, कभी कभी क्या रहता है। हाँ अब देखना, 41 मैंने जब 20-22 की स्पीड भी थी ना, तो मैं ऐसे समझ लो मैं 20-22 के स्पीड पे इंजन बंद कर देता हूँ, और उससे कम स्पीड होती नहीं है, उससे कम स्पीड होती ही नहीं, मतलब 20-22 पे चलती रहती है आराम से, उससे कम, अब इसमें तो कम हो रही है, मतलब 30-30 में धीरे धीरे कम हो रही, उसमें 20-22 की स्पीड कम ही नहीं होती। ये ट्राई करके देख लेता, तो 20-25 पे आप इंजन बंद करोगे ना, तो 20-25 पे चलती रहेगी भाई वो कार, मतलब रुकेगी नहीं। ये मैंने कल ही नोटिस किया, रात को मैं गेम खेल रहा था तब, और हाँ वो फरारी का था ना, वो फरारी का मैं बताऊँगा आपको, देखना। अरे 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 भाई ये इतने ड्रिफ्ट क्यों मार रही है ये कार। चलो वो अपने वहाँ पे कार है, पहले उनको भी अपन रिपेयर कराते हैं। और हाँ यार मेरे को कस्ट वो अपने को लिए वो भी रखना है कि अपने ऑफिस के लिए वर्कर्स, तो एक काम करता है पहले उनको मैं रिपेयर पे दे देता हूँ, ठीक है, और एक वर्कर ढूंढ लेता हूँ अपनी कार मतलब ऑफिस के लिए, तो वो सही रहे। और हाँ यार जो अपडेट ऑफिस का अपडेट है ना, वो अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे को दिखा रहा है, तो कार को तो यहीं पर रहने देते अपन है ना, कार पर पेंट करवाएं क्या, वैसे मैं पहले पेंट करवा देते हैं, इसमें ब्लैक पेंट करवा देता हूँ है ना, और इसमें और अलॉय भी मैंने सोच रखे हैं, देखना एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ मैं आपको, क्या है मस्त लगी अपनी मस्टैंग। ठीक है रुको रुको, अरे भाई ये कहाँ पे हो, इस तरह का काम हो जाएगा आई थिंक, अरे वाह चलो ये अच्छी बात है, ये यहाँ पे ब्लैक पेंट हो जाएगा, इस पर पॉलिश मैं करवाता हूँ एक बार, और इसके अलॉय और अपग्रेड करवाता हूँ, जो वाले मैंने अरोल देखे ना वो वाले अलॉय करवाता हूँ, देखना फिर जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ भाई वो क्या ही लगेगी अपनी मस्टैंग, मैंने ट्राई करके दिखा था कल। तो ये इसको अपन बैक करते हैं एक बार ये यहाँ पे, अरे अरे थोड़ी सी आगे, हाँ ये रुको आप देख लो, इसमें जो अलॉय मैंने देखे है ना वो वाले अलॉय इसमें करवाता हूँ मैं, कहाँ पे गए कहाँ पे गए, यहाँ पे ही थी यार वो अलॉय, हाँ ये रहे, आप देखो भाई आप देखो क्या ही लग रही है, मतलब ब्लैक कलर के साथ वाइट चमकीले अलॉय, मतलब यार एकदम मस्त लग रही है। देखो बाहर दिखाऊंगा ना, बाहर देखना आप देखो, अब ऐसे कोई साइड से देखते हैं ना भाई, ये देखो क्या लग रही है अपनी मस्टैंग, देख रहे हो मतलब तो खतरनाक लग रहा है भाई। चलो ये भी रिपेयर हो चुके हैं, टाइम भी होने वाला है, तो एक काम करते हैं इसको भी अपन पेंट करवा लेते हैं ना, एक मस्टैंग को अपन ये कलर रखेंगे, और इसके लो अच्छे क्या, इसका ठीक ठाक कलर है, चलो इस पर इतना वो नहीं करवाएंगे एक, हाँ इस पर थोड़ा सा ऐसा कलर करवा लेते हैं ना जो सही रहेगा, एक मस्टैंग को अपन वाइट रखेंगे और एक मस्टैंग को ब्लैक रखेंगे है ना, उनको सेल कर देंगे। बाकी इस पर कलर मैं ज़्यादा वैसे नहीं करवाने वाला, जैसे कि इस पर अपन ऐसा कलर करवाएंगे जो मतलब अलॉय के साथ मैच हो सके है ना,
ज़्यादा चमकीला करवाएंगे ना फिर यार वो अलग साग लगेगा, फिर अलोई ऐसे, और अलोई पे मैं खर्चा करना नहीं चाहता वैसे भी ज़्यादा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ, अरे उसको वापस रिपेयर पे भेज दे भाई, लिटरली मैं भी क्या पागल आदमी हूँ भाई, इसको रिपेयर के लिए इसको अपने टो करने के लिए भेजते थे डायरेक्ट, है ना। और इसको इस पर पेंट करवाना है ना, पेंट तो नहीं इस पर वाइट रख के, मैं इस पर थोड़ी बहुत पॉलिश पॉलिश करवानी है, पेंट तो नहीं करवाएंगे इसको वाइट रखेंगे। पर भाई इसकी आँखें देखो यार, क्या खतरनाक आँखें लग रही है भाई इसकी, ये देखो मैं आप आँखें दिखाता हूँ यार, ये देखो, ये मैंने नोटिस नहीं किया, ये मैंने अभी नोटिस किया है भाई, देखो इसकी आँखें देखो यार एक बार, क्या लग रही है ना खतरनाक, हाँ भाई साहब खतरनाक, मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था, लिटरली मैंने कल नोटिस किया, ये तो खतरनाक थी। चलो भाई इस पर भी हो चुका है, तो इसको अपन भेज देते हैं यहाँ पे, इसको वाली इस वायर ब्लैक वाले मस्टैंग को, जिनको सेल पे लगाते हैं क्योंकि रात होने वाली है, ठीक है ना। तो रात हो जाएगी तो फिर सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मतलब वापस अपने को सुबह आना पड़ेगा। पर यार इस पर सब काफ़ी सारा हो चुका है, मतलब पहले कम था यार, तो कम में यार संतुलन बैठता ही नहीं है इसको। हाँ अभी एक बार फरारी मिल जाए ना, तो मैं फरारी का अब दिखाता हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना वो वाला। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसमें जाते हैं, हाँ इस वाली को भी यहाँ पर खड़ी कर देते हैं फटाफट फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना। इसको फिर डायरेक्ट सेल ही करूँ मैं, इनको ऐसे ही खड़ी कर रहा हूँ ऐसे ही अभी टेम्परेली, ठीक है। बाद में इनको सेल करेंगे ना, तब इनको अच्छे से खड़ी करेंगे, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे चलते हैं अपन फटाफट फटाफट से, हाँ चल इसको भी अपन खड़ी कर देते हैं। हाँ इनमें यार प्रॉफिट अच्छा होता है, मतलब हाँ 30-40 हज़ार का प्रॉफिट होता है भाई, जो लैम्बो आते हैं भाई उस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है, उसको खरीदो और उसको बेच दो, मैं मतलब 3-4 लाख का प्रॉफिट तो ऐसे आराम से कर ही लेता हूँ उस पर, मिनिमम तो 2 लाख का तो मान के जो 2 लाख का तो प्रॉफिट करता ही करता हूँ उस पर यार, मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता हूँ, उससे ज़्यादा पैसा हो गया। अभी 35 हज़ार की अपन ने खरीदी थी, इसको अपन लगा देते 80 हज़ार, 80 हज़ार इसकी प्राइस सेट करते, 80 हज़ार तो नहीं मिलेंगे बाकी, इसको अपन ने खरीदे तो इसके अपन 85 हज़ार कर देते हैं उस पर यार, ऊपर से 85 हज़ार इस पर कर देते हैं। और ये अपन ने निब्बे की खरीदी थी तो इस पर 2 लाख अपन कर देते यार। मैं वेट कर रहा हूँ ऑक्शन का, ऑक्शन पे वो कार आ जाए ना यार अपन खरीद ले, वो तीनों कार मेरे को मस्त लगी थी यार, वो पता नहीं कार आ नहीं रही है। चलो अभी तो अपन चलते हैं घर पे, घर पे जाकर सोते हैं और मॉर्निंग का वेट करते हैं कल का, कल ऑक्शन ओपन होता है या फिर कार मार्केट ओपन होता है कोई पता नहीं है अपने को, ठीक है। क्योंकि अपने को अभी कार बाई करनी वहाँ से यार, जो मैंने कार देखी थी ना वो मेरे को लगता नहीं यार वो इतनी जल्दी आने वाली है। और हाँ यार लिटरली वो जो अपने सुपर कार थी ना निसान GTR, उससे भी एक्सपेंसिव, उससे 3 गुना महंगी थी भाई, और वो भी मतलब काफ़ी टाइम में मिलती है। और अपने को यार अपनी सुपर कार जो निसान GTR है उसका भी ऑक्शन कलेक्शन करना है, वो तो अभी तक एक बार भी नहीं मिला, नहीं मिली अपने को। बाकी अभी कार मार्केट आज ओपन है भाई, कार मार्केट में देखते हैं कौन कौन सी कारें हैं, तो इनसे तो अपन प्रॉफिट ही बना सकते हैं, कोई वैसे काम की कार तो आई नहीं होगी। हाँ डोज चैलेंजर नीची ये वाली कार मैं बाय करूँगा, ये वाली कार मैं बाय करूँगा एंड ये वाली बाय करूँगा, ओके देन ये वाली और ये वाली भाई, हाँ ये वाली मतलब 6-7 कार रही है ना, तो वो आज मैं बाइक कर लूँगा, ठीक है। तो वो तो भाई बाइक करनी है, तो चलो भाई इसमें 24% डैमेज है, पेंट का इशू है भाई, 40 हज़ार में ही दे रहा है, तो इसको मैं 5 हज़ार कम करके 35 हज़ार में देता हूँ, ठीक है। इसमें प्रॉफिट होता है यार, मतलब इसमें ऐसे मान के चलो अपन इसको 70 हज़ार में भेज देंगे, मतलब इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलो इसको अपन रिपेयर के लिए भेज देते हैं, दो चैलेंजर तो नहीं ले रहा भाई, इसको कोई खरीदता नहीं, इसमें देखते इसमें को डैमेज हो भाई, इसमें भी डैमेज है, मेरे को लगा इसमें डैमेज नहीं है, लेकिन चलो इसमें अब डैमेज है। इसमें 2 लाख की बोलता हूँ, ठीक है, मान जाएगा तो सही भाई, देख लो 2.50 की दे रहा है, 2 लाख में आई हो नहीं मान रहा भाई, 2.25 कर देता है इसके, 2.25 में तो 2.20 मान बोले क्या, 2.20 में भी आई थिंक मान जाने चाहिए, 30 हज़ार ही कम है, ओके चलो 2.20 में मानेंगे, अभी 5 हज़ार एक्स्ट्रा अपन ने दे देते गलती से। तो कोई नहीं, इसको भी अपन ओ भाई रिपेयर के लिए कौन सी कार चली गई, अपन ने तो भेजी नहीं है, कोई दूसरी कार चली गई होगी, हाँ ये वाली कार तो खरीदने रह गए, अभी तो रह ही जाती है वाली कार। इनमें प्रॉफिट अच्छा होता है यार, मतलब भाई साहब 96 हज़ार, 86 की बोलते हैं यार हम इसको, 86 हज़ार में मान रहे, उसमें डैमेज भी तो है भाई 15%, फ्यूल पेंटेड का भी शायद डर्ट भी है भाई, तो हाँ चलो 10 हज़ार में तो 86 में मान गई है इसमें, हाँ इसमें भी डैमेज यार, अरे अरे चलना नहीं है। चलो अब इस खाली हो चुका है और इस वाली कार को बेचना अपने को, इस वाली कार में भी डैमेज है भाई 30%, पेंट का इशू है, डर्ट प्राइस कितने इसके 32 हज़ार, मैं इसको देता हूँ 27 हज़ार, थकल देख के देता 27 हज़ार में मान जाएगा, हाँ इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा अपना 30-40 का तो होके मान के चलो, इसको अपन भेज देते हैं। डैमेज है ये अपनी सुपरा रही और ये वाली कार आई, ठीक है। इसमें डैमेज भाई 52% की बोल रही, इसको मैं 42 हज़ार देखता हूँ, 42 में नहीं मानेगा मेरे को लगता है, 45 हज़ार में मानेगा, इसको 42 हज़ार फिर भी अपन दे देते हैं। चलो अगर मान गए भाई 42 हज़ार मान गए, मेरे को लगा नहीं था इसकी शक्ल देख के मान जाएगा। और बाकी एक कार है सुपरा, वो अपन लेके चल देंगे, ठीक है। और भाई ये 65 की बोल रहा है तो इसको मैं 55 हज़ार दूंगा, और इसमें डैमेज है भाई 11% डैमेज है, और पेंट का इशू है, थोड़ा बहुत डर्टी तो हो ही रही है, फ्यूल तो चलो कोई नहीं, 55 हज़ार में ये भी मान चुके हैं।
हाँ आज अपन यहाँ से 11 6 कार खरीद ली, और 6 कार यहाँ से खरीद ली, और कितनी कार वहाँ पे अपनी, तीन, हाँ तीन कार वहाँ पे अपनी, मतलब टोटल 9 कार है सेल के लिए। तो कम से कम भी मान के चलो मेरे पास 35,000 35 लाख रुपए आज हो जाएंगे अपने आराम से। बाकी मैं ऑप्शन का वेट करूँगा यार, ऑप्शन पे कोई कार आ जाए ना। भाई कस्टमर देख रहे हो, कस्टमर, अरे 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 बच गए भाई, कस्टमर देखो भाई कितनी भीड़ लगी भैया कस्टमर की। ये देखो भाई, मतलब लिटरली इतने कस्टमर लगे पड़े हैं भाई। चलो इनसे प्राइस, मतलब अपने को काफ़ी सारे ऑफर मिले, तो ऑफिस बड़ा करते हैं, मतलब कस्टमर ज़्यादा नहीं लगा भाई। 45,000 बोल रहे हैं, नहीं इसमें तो बात नहीं बनने वाली भाई। इनसे देखते हैं, क्योंकि यार इतने तो अपने लग चुके हैं इस पर, 45,000 तो थोड़े ज़्यादा, ये एक तो 41 ही भाई, तुम जाओ। ये देखते हैं भाई, ये कस्टमर है नहीं, ये मतलब कम प्राइस देते भाई। डैमेज कैसे, इसको अपन ने रिपेयर नहीं करवाया क्या? 55, इसको डैमेज कैसे आ गया भाई? अपने रिपेयर करवाया था इसको 55, भाई कस्टमर जा रहे हैं, पता नहीं यार कैसे डैमेज आ गया इसमें 55 हो रही। देखते कितने बोलते, उसको मैं 60 पे भेज दूँ भाई, ये तो नहीं मान रहा है, तो उसको मैं 60 पे भेज देता हूँ। पता नहीं डैमेज कैसे आके इस पर 16% खड़ी खड़ी किसी ने स्क्रैच मार दिया क्या? चलो मैं इसको देता हूँ 60 65 बोल देता हूँ भाई, आई होप ये मान जाए 65 में, तो 10,000 तो मान ही सकते भाई। ओ चलो भाई 65,000 में मान चुका है भाई, यार काफ़ी कस्टमर गए भाई। लेकिन देखो अब ये इसको 80, इसमें डैमेज नहीं भाई, मैंने आई थिंक उसको रिपेयर नहीं किया, उसको डायरेक्ट टाइम पे भेज दिया। 51 ये बोल रहा है, रुको 60 तो इसको मैं बोल दूंगा, 60 नहीं 61 बोलता हूँ एक बार, है ना, आई होप 61 है, मैं मान जानी चाहिए, 65 को उसमें भेजिए। ओ भाई नहीं, रुको 60 में, 60,000 में मान जाएगा ये, 61 में ना माना तो 60 में मान जाना चाहिए पक्का, मेरे को लग रहा है। ओ भाई ये नहीं मान रहा है क्या, जिद्दी आदमी है भाई तू तो, 59 में मान जा, 59 में मान जाना चाहिए भाई, 3,000 मान जा भाई, 3 मान जा मान, चल भाई मान गया, 59,000 में माना है भाई, वैसे मान ही नहीं रहा था। चलो अब इस, अरे इससे तो बात कर दे तो चली गई, तो कोई नहीं जाने दो। और यार हाँ आपने कह, ऑफिस के लिए एम्प्लॉय भी देखना था एक, वो भी लेके आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पहले तो अपनी काम करते हैं, इनको रिपेयर करना है, करवाना है ना, 3 4 कार ये रही, 2 कार वहाँ पे रही, 6 कार यहाँ पे हैं, 3 कार अपन ने सेल कर दी, 25 लाख अपने पास पैसे भाई, अपने पास 43 लाख रुपये थे, सारे वेस्ट कर दिए अपने, वापस उतने 43 लाख करने पड़ेंगे। लेकिन 43 लाख तो नहीं, मतलब और ज़्यादा रुपये करने पड़ेंगे, बल्कि इनको रिपेयर पे लगवा लेते हैं, उनमें आई थिंक डैमेज तो है। हाँ भाई ये रहा ये रहा, तो इससे बात करते हैं, अपने ऑफिस के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। चलो हेयर, चलो भाई इसको अपन ने कहाँ पे गए भाई, ऑन वर्क कहाँ पे गए भाई, इसको तो वर्क के लिए रखा था, पता नहीं भाई वो कहाँ पे गया, आई थिंक कल वर्क के लिए आएगा, कल आएगा कि नहीं भी आएगा पता नहीं भाई, वो कहाँ पे गया। तो स्किल का अपने पास, स्किल का भी, ओह चलो 2 स्किल पॉइंट हो चुके हैं ना अपने पास में, तो ये कौन सा है, कार डैमेज, और ये भाई हाँ एम्प्लॉय कार वॉश का, अरे अभी भी ऊपर नहीं हो रहा एम्प्लॉय कार वॉश का, 2 तो अपने पास हो चुके भाई, एम्प्लॉय कार वॉश का 2 अपने पास स्किल पॉइंट है, फिर भी नहीं हो रहा। चलो इसको अपन ओपन कर लेते हैं, और देन ये भी, हाँ ये तो 1 में हो जाएगा, चलो कोई नहीं इसको तो 1 में हो जाएगा, चलो कोई नहीं अच्छी बात है। बाकी कस्टमर आ चुका भाई, वो अपने एम्प्लॉय कहाँ पे गया, जिसको अपने हेयर किया, हायर किया था भाई, हेयर नहीं हायर किया था। चलो इसको अपन ये कार भेज देते हैं, कितने 2 लाख अपने प्राइस रखी है, तो ऑलमोस्ट इसको 1.5 लाख तो इसको देने चाहिए, इतना प्रॉफिट तो, इतने तो सारी उम्मीद भी पानी फेर दिया भाई तू जा। हाँ चलो वहाँ पर अपनी एक कार रिपेयर हो चुकी है, तो उस पर पेंट करवाना चाहिए क्या? पेंट तो अभी नहीं करवाना चाहिए मेरे को लग रहा है, पेंट अभी नहीं करवाएंगे ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेल करेंगे उसको, क्योंकि अभी मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ओनली अपने को प्रॉफिट प्रॉफिट बनाने, तो इसमें अपन पैसे लगाने बैठेंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा। लेकिन नुकसान तो नहीं होगा, मतलब अभी इनको रखना नहीं है, तो मैं डायरेक्ट सेल ही कर रहा हूँ, तो इन पर इतना खर्चा नहीं करना है मेरे को, बस मेरे को डायरेक्ट सेल सेल करना है इनको। चलो अरे भाई 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 साहब, लिटरली क्या ही बचे भाई, ठुकती ठुकती बचे लिटरली। तो इसको अपन खड़ी कर देते हैं ऐसे, बाकी एक दूसरी कार को अपन वहाँ पे भेज देते हैं रिपेयर के लिए, इसमें डैमेज है ना? हाँ भाई कितना परसेंट डैमेज है भाई, इनमें खड़ा खड़ा इतना डैमेज कैसे है, जब वहाँ पे इतना डैमेज नहीं था, उन्होंने गलत चुना तो नहीं लगा दिया अपने को भाई, मेरे को ऐसे लग रहा है इन्होंने गलत बोल बताया अपने को, जो इनमें डैमेज उमेज था ना, मेरे को इसकी स्किल भाई ये देखो इतना डैमेज इसमें लिटरली भाई, उन्होंने गलत बताया अपने को स्किल ओपन करनी पड़ेगी भाई। चल अभी इसको क्या करता है, अपन इसको लेके चलते हैं वापस, इसको भी वहीं पे खड़ी करने ना, कस्टमर तो आए हुए हैं, अब देखते हैं इनकी प्राइस। ओ बहस आराम से भाई, देख रहे हो अपनी स्किल, देख रहे हो अपनी पार करने की, तो इससे देखते हैं कितने बोलते हैं भाई। कम से कम यार, कम से कम 20,000 का तो प्रॉफिट एटलीस्ट अपन बनते हैं इस कार पे। देखा चलो ये बोल रहा है 20,000, चलो इसको 1,15,000 हाँ मान जाएगा मेरे को लग रहा है। ओ भाई ये तो तू निरा कंजूस आया, 1,10, अरे भाई 11,000 में बेचने वाला था, 1,10 में मान जाएगा, 4,000 के ऊपर की बात है, चलो 1,10 मान गया है, तो 20,000 के ऊपर प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो चलो कोई नहीं भाई। इसमें भी डैमेज है थोड़ा बहुत, इसको भी रिपेयर पे भेजना ही पड़ेगा,
चलो कोई वो रिपेयर हो जाती है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे भेज देंगे और दूसरी कार को यहाँ पे भेज देंगे। सही है ये वाला काम सही है। बाकी यार इनके भी स्किल अब ओपन करनी पड़ेगी जिससे ज़्यादा ज़्यादा भैया। वो अपना वो बंदा कहाँ पे गया? चलो उनको तो सेल पे लगा दे, दो कार अपने दे रहे, दो कार अपने सेल पे लगा दे, तब तक कस्टमर आ जाएंगे। और बाकी आज का दिन तो कंप्लीट होने वाला है और अपने को प्रॉफिट बनाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ ये 35 की है तो इस पर रख देते पर 80,000। हाँ 80,000 में इसको अपन सेल करें। भाई एक और कार थी ना अपनी, हाँ ये रही ये भाई, इसको तो 5 लाख करने वाला हूँ। अरे ऑफिस, इसको सेल क्यों नहीं कर पा रहे? ऑफिस में है क्या ये? हाँ ऑफिस में नहीं है क्या? 86,000 की खरीदी थी, इसको अपन 2.5 लाख इसकी प्राइस कर देते हैं। ओके दो अपने सेल पे लगाती है। बाकी ये रिपेयर हो रही है ना आई थिंक, हाँ ये रिपेयर हो रही है। इतना ही कितना टाइम हो लगेगा? 79% हो चुकी है, 80% हो चुकी है, ये भी 76, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कस्टमर का वेट करते हैं। और बाकी इधर एक और कार है ना अपनी, हाँ ये वाले कार हो रहे हैं, ये 220 की खरीदी थी अपन ने। भाई एक सुपरा भी तो अपनी ना, दो कार हो रही है यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है। तो ये रिपेयर हो चुकी, इसको मैं डायरेक्ट वहाँ पे टो करवा देता हूँ और टो करवा के दूसरी कार को यहाँ पे भेज देता हूँ, है ना। चल ये टो हो जाएगी अगर ये भी, हाँ ये भी रिपेयर हो गई तो इसको टो पे भेज देता हूँ डायरेक्ट, फिर दो कार को रिपेयर भी भेज देगा। हाँ ऐसे सही रहेगा भाई, बस तुरंत फुरंत काम होता रहेगा तो सही रहेगा, मतलब रुक रुक के तो फिर काम में काम अच्छी वाली बात नहीं है। दो सुपरा को रिपेयर करवाने हैं और दूसरी वाली कार को बस, क्योंकि कस्टमर आ जाएँ जल्दी जल्दी यार, कस्टमर आ जाएंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। तो चलो इसको अपन रिपेयर के लिए भेज देते हैं, इधर इस वाली कार को भी अपन रिपेयर के लिए भेज देते हैं। तो चलो उन दोनों को पहले काम करवाते थे अपन, रिपेयर के लिए तो भेज दिया है और इसको रिपेयर भी करवा देते हैं फटाफट फटाफट, क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर ये चले जाएंगे ना, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर उनको कार को तो अपन खरीद वो ऑफिस में खड़ी करके सेल कर देंगे। चलो इसमें $400 का खर्चा है भाई और इसमें 220 के उसके आधा ही आया, मतलब 440 के उसमें आया, 220 के इसमें। तो चलो कोई नहीं, बाकी अपने पास 26 लाख रुपया भी हैं, मतलब काफ़ी सारे पैसे हैं। अब करना चाहे तो सब बहुत कुछ कर सकते हैं इन पैसों में, लेकिन अभी अपने को सुपर कार बाई करनी है भाई। इसमें अपन ऐसे मान के चलो इन पैसों में हम आराम से भी 4-5 तो वो अपन खरीद सकते हैं भाई, 4-5 क्या बोलते हैं उनको, बस वो निशान जेट यार भाई। लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, वो क्या बताओ ऑक्शन पे आ ही नहीं रही है। अब ऑक्शन पे आएंगे तब उनको खरीदेंगे और ऑक्शन अभी ओपन हो नहीं रहा। बाकी मैं वेट करूँ फटाफट फटाफट से ऑक्शन ओपन हो जाए यार, इतनी प्राइस में तो नहीं बेचूँ मैं इसको, कम से कम भी 1-20 में तो बेचना चाहता हूँ। लेकिन इतनी गर्म इतनी कम प्राइस बोलते हैं तो मन ही नहीं करता भाई इनको कार देने का। चलो आई थिंक पेंट की वजह से हो रहा है, अपन पेंट नहीं करवा रहे तब देखते हैं, अगर इन कार को देखते हैं अगर इन पेंट की वजह से ऐसे हो रहा है तो अगली बार अपन पेंट करवा के बेचेंगे, क्या पता थोड़ी प्राइस बढ़ जाए, है ना। आई थिंक ऐसे भी हो सकता है। बाकी वो रिपेयर हो गई, अरे वो रिपेयर हो गई तो इसको सेल पे लगा देता हूँ इस वाली को भी। बाकी उनको भी लेके आना पड़ेगा फिर, उनको सेल पे लगाएंगे। दो कार है ना यहाँ पे अपनी, ये 27 की है, तो चलो इसको अपन 60,000 रख देते इसकी प्राइस। चलो 60,000 ये वही, ये 42 की है, 1 लाख इस पर रख देते हैं ना। चलो 1 लाख इस पर दो कार, हाँ चलो अब दो कार हो रहा है, एक सुपर है अपनी और एक बार ओल्ड विंटेज कार जो कि अपन को 1-220 की पड़ी थी भाई। इमेजिन को सोचे इतना डायरेक्ट टोपे भेज देते हैं फिर डायरेक्ट ऑफिस में खड़ी करते हैं, है ना। अगर दोनों का पर चलाने बैठेंगे ना तो टाइम हो जाएगा काफ़ी, और टाइम अपने पास और अपने को टाइम ही बचाना। अरे ये गई नहीं क्या? चलो एक कस्टमर भी आ चुके और बाकी दो कार भी चुके, लिए काम करते हैं कस्टमर को हैंडल कर लेते हैं, कार तो अपन थोड़ी देर बाद में खड़ी कर देंगे, है ना। क्योंकि पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार तो अपन बाद में सेल पर लगा देंगे। चलो चलो इनसे बात करते हैं मोहतरमा से, कितने रुपये में 86,000 की अपनी ये है और ये कितने पैसे 96, नहीं ऐसे 1 लाख ही अपन बेच सकते थे। इस पर यार इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम से इसको खरीदेंगे नहीं अपन। ओ भाई ये हुई ना बात, आप देखो इसको मैं 2.25 में बनाता हूँ, हाँ आई थिंक हाँ 2.25 हो गई, मान जाएगी 2.25। ओ नहीं मान रही, मैंने इसकी बटाई क्या कर दी तो भाव खाने लग गई। चलो 1-20 5,000 डायरेक्ट कम, चलो भाई 1-20 में ये मान चुकी है। ओ भाई दो कार, दो कस्टमर इस कार को लेने आए, 60,000 अपने प्राइस रख के 27,000 में अपने खरीदी थी आई थिंक 41, ओके नोट पैड। देन ये वाली बात करते हैं भाई साहब, अगर ये थोड़ी ज़्यादा बोलेंगे तो इसको 50 में चिपका दूंगा, 45-60 बोलेंगे। ओ भाई 40 ही है तो 40 पे आएगा, चलो कोई नहीं इसको अपन 45, अगर 50 बोलते हैं 50 मान देते तो सही, नहीं तो 45 अपन बोलेंगे उसको, है ना, ये सही रहेगा। 41 तो अभी 50 बोलते हैं तो 45 में तो मान जाएंगे मेरे को जहाँ तक लगता है, चलो फिर भी कोई नहीं ट्राई करेंगे। चलो कोई नहीं, मैंने नहीं मान रही तो 45, हाँ 45 लास्ट है, 45 में मान जाएगी। ओ भाई चलो 45 ही मान चुके। एक और यहाँ पे कस्टमर आ चुके क्या? मतलब कस्टमर ऑफिस बड़ा होने वाला है, कस्टमर ऐसे आते हैं भाई लिटरली। ओके 89 गुड नॉट बैड 89, उसको आराम से बेच सकते हैं, मतलब 95 तो आराम से बेच सकते हैं उसको। ये वाली कार मैं नेक्स्ट टाइम से खरीदने वाला हूँ भाई। नहीं नहीं तुम जाओ,
ये वाली कार मैं नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा खरीदूंगी, इस पर अच्छा प्रॉफिट हो, मतलब दुगना प्रॉफिट हो रहा है भाई डायरेक्ट डायरेक्ट अगर देखे ना। ये नाइन, ओ भाई साहब ये लो, इसको अपन मिलते हैं नाइन, इसको रुको रुको 999 देखते, ओनली 1 रुपया कम किया बने, आई थिंक मान जाएगा, मान जान जी। ओ भाई साहब ओनली ओनली 1 लाख की थी अपने नया ट्रिप, मतलब 999 भेज नौ, मतलब ऐसे मान लो 99,999 में भेज दी भाई वो कार, 1 रुपया कम करके भेज दी भाई लिटरली। भाई साहब मस्त मस्त, ये वाला मस्त था भाई, ये वाला कस्टमर मस्त था भाई, ओनली 1 रुपये कम किया अपन ने। वो होता है ना जैसे होते हैं 999 भेज दे रहे हैं, वैसे भेज दिया अपन ने 599 में। चलो भाई ये वाला अच्छा प्रॉफिट हो गया। चलो अब ये वाली दो कार है ना, इनको इसमें खड़ी कर देते हैं अपन फटाफट फटाफट से, है ना। हाँ और इनको अपन अभी सेल पे लगा देते, फिर मॉर्निंग में डायरेक्ट कस्टमर आएंगे तो कस्टमर को हैंडल हैंडल करना रहेगा, है ना। ताकि अपना 7.5 मतलब ऐसे मान के चलो 10 लाख अपने ऑफिस में लग गए इसको अपग्रेडेशन करने में, 7.5 लाख एक और 2.5 लाख एक, ठीक है तो 8 8 लाख तो वे डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना। और 2 लाख 10 लाख और थोड़े बहुत यहाँ पे, मतलब मैंने कि चलो 11 12 लाख अपने ऑफिस में लग गए हैं, तो वो प्रॉफिट अपने को निकालना पड़ेगा फटाफट फटाफट से। तो अभी यहाँ पे 3 कार है जो अपनी है भाई, ये वाली को तो मैं इसको मैं 7 लाख करने वाला हूँ, इसकी प्राइस ऑलमोस्ट ये अगर 5 लाख में बिक जाए ना तो अच्छी बात है भाई। तो ये वाली अपनी सिल्वर जो 55 की है तो इसको मैं 1.55 ही कर देता हूँ भाई, चलो 1.55 इसको सिल रहा। 3 कार अपन ने वापस लगा, बाकी वो यार अपना वो नहीं आया एम्प्लॉय, कहाँ पे रह गया पता नहीं कहाँ पे रह गया। चलो अभी एक काम करते हैं अपन घर पे चलते, क्योंकि रात हो चुकी है और घर को मैं अभी अपग्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि क्या फ़ायदा अभी अपग्रेड करके, फिर घर पे तो वैसे भी सोना सोना होता है, तो यहाँ पे कंट्री में काम चल जाएगा। आज अपन ने कितना अर्न किया भाई, ओनली 33,000 रुपये अर्न किया है, 4,65,000 स्पेंड कर दिए, ओनली 33,000 रुपये अर्न किया भाई, 33 से 34,000, तो इसमें तो क्या ही बात बनी। चलो भाई आज ऑक्शन ओपन है 5 बजे, ठीक है, तो आज अपने को कार निकाल लिया कैसे ना कैसे करके, ठीक है भाई। मैं तो पहले जाके बैठ जाऊँगा, ये कार मैं इनको सेल कर दूँ। ओ भाई ये आ गया, चलो एम्प्लॉय भी आ चुके हैं अपना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी इनको भी अपन थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है। पानी वाला हाँ ये अपने फुल अपग्रेड कर लिया ना, जो थोड़ा बहुत रह रहा है इसको भी अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। चलो भाई चलो फटाफट फटाफट से काम करते हैं, इनको पेंट कर, बाकी ऑप्शन होगा ओपन होगा 5 बजे आज, है ना। आज वो कार तो अपने को कैसे ना कैसे निकालना भाई, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कार आ जाए यार भाई। एक क्या तो अपनी निशान GT आ जाए, है ना, या फिर और दूसरी कार आ जाए। निशान GT भी आती है तो भी यार अच्छी बात है, एक बार एक भी अपन ने नहीं खरीदी है तो उससे क्या रहेगा, अपन रेस करके प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है, तो वो एक अच्छा सोर्स हो जाएगा अपना इनकम का, ठीक है भाई। कस्टमर आ चुके हैं, हाँ इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये इस पर डस्ट कहाँ पर रह गई हुई है भाई। चलो भाई ये थोड़ी सी और इस पर डस्ट है, किधर इधर ऊपर डस्ट है मे बी, और किधर डस्ट है, हाँ इधर डस्ट है ना, मुझे भी सोचिए यहाँ पर डस्ट कहाँ पर दिख रही है, साफ तो हो गई फिर भी इस पर डस्ट क्या, चलो कोई नहीं, अरे यहाँ पर डस्ट है, कहाँ पे डस्ट है भाई ये डस्ट, अरे बस छोड़ दो यार बाद में देखेंगे, कस्टमर से बात करते हैं। 220 की अपन ने पड़ी है, अब देख भाई ये वाली कार मेरे को सबसे, अरे यार नहीं नहीं इतने में तो नहीं यार, इतने में तो नहीं बेचने वाला। चलिए अपने सुपरा को लेने आए हैं, कितने प्राइस ये बोलते हैं, 1.55 अपन ने रखी है, 55 को अपन की पड़ी थी और 220 ओके 89, चलो अच्छी प्राइस है, इसको मैं 999 बोलता हूँ, नहीं नहीं 99 तो नहीं मानने वाली, हाँ 89 इतने में तो आई थिंक मान जानी चाहिए, 99,000 में। चलो भाई 99,000 में ये मान चुकी है, 1,000 रुपये इस पर अपने कम कर दिए, 3 लाख अपने वापस हो चुके हैं, अभी अपने को कम से कम 13 लाख रुपये वापस अर्न करने पड़ेंगे भाई, 13,45 नहीं रुको इसकी मैं प्राइस लगा देता हूँ 55, 10,000 में तो यार मान जाने चाहिए, नहीं तो 50 तो अपने को मिल ही जाएंगे, 55 नहीं 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 मैं नहीं मान रहा, चलो तो इसके 50 में तो मान जाना चाहिए इसको, मेरे को लगता है 50 में 50 में, चलो भाई ये 50 में मान चुके हैं, हाँ भाई अब ये कस्टमर आ चुके हैं इस कार के लिए। चलो अब इस कार के लिए देखते भाई प्रेजेंट कंडीशन, भाई अच्छी कंडीशन है इसकी भाई, 2.98 यार काफ़ी कम नहीं है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है लेकिन इतना मेरे को जो चाहिए ना वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कोई नहीं अपन वेट कर लेंगे, जो वैसे वो ऑप्शन 5 बजे ओपन वाले हैं तब तक अपने वेट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो चलो वेट करते हैं भाई कस्टमर कब तक आते हैं। बाकी मैं नेबर्स के पास जाके आना चाहिए कि मेरे को, बाकी नहीं नेबर्स के पास नहीं जा रहा मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ कस्टमर का और ऑप्शन ओपन होने का, तब तक कैसे को वेट करते करते भाई टाइम हो चुका अपना अभी 10:30 ही, और 2 कस्टमर फिर से आए हैं, चलो इनसे बात करते हैं कि कितने में अपने को जितने में बेचने ना उतने में अगर कार बिक जाती है तो भाई अच्छी बात है। बाकी 2.95 हाँ काफ़ी अच्छी प्राइस है, वैसे 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी यार मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट बनाना है इस पर। ओ भाई 2.85 उसने बोला, 2.82 से बोल रही है, नहीं चलो इससे मैं बात करता हूँ, इसको अपन 3 लाख पे दे देंगे ना तो भी 3 लाख पे भी यार 80,000 का प्रॉफिट होगा तो इतना नहीं होगा, तो इसमें बोलता हूँ
3.5 लाख बोलूँ क्या यार इसको, एक बार 3.5 लाख में मान जाए ना तो भाई 35,000 ही कट रहा था अभी तो, मैं 35,000 में सेल करने वाला था, कहाँ पे 3 लाख, कहाँ पे 35,000। नहीं, ये 3.20 बोलूँ क्या, 3.20 में अपना हो सकता है ना, 3.20 में अपना 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा है ना, 3.20 3.20, चलो भाई 3.20 में मान चुके अपने पास 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका। और मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ऑक्शन पे, ठीक, ऑक्शन पे अभी काफ़ी टाइम है लेकिन फिर भी मैं अभी जाके उसकी टिकट ले रहा हूँ कि देखता हूँ आज ऑक्शन में वो जो अपने को चाहिए वो कार आती है या फिर नहीं आती, या फिर अपने को फिर वेट करना पड़ेगा फिर से काफ़ी दिनों के लिए। तो हाँ गाइस, अभी चलो भाई अभी फटाफट फटाफट टिकट ले लेते हैं एक बार अपन, ठीक है भाई, देखो कितने सारे लोग वेले बैठे भाई, ये पहले आके बैठ जाते। चलो भाई टिकट ले लेते हैं, बाकी एक बार देखिए क्या कौन सी कार आई है इसमें, अपने कार चाहिएगी उसके लिए और अपने पास कार है नहीं तो चलो कोई नहीं भाई, इतना वेट अपन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो भाई इस वेट करते हैं अभी, देखते हैं कार कब तक आती है कब तक नहीं आती है। गाइस गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक बार अपन नेबर्स के पास चल के आ जाते हैं और वहाँ से कोई कार है वो खरीद के वहाँ से डायरेक्ट देख ही लेंगे भाई कार, क्यों टाइम वेस्ट करना है ना, टाइम वेस्ट भाई 5 बजे भाई, 5 घंटे लिटरली वेस्ट होंगे, 5 घंटे में अपन कुछ बहुत थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेंगे है ना, 30-40 हज़ार का। तो हाँ टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, नेबर्स के पास चलते हैं वहाँ से कार देखते हैं कोई, और कोई कार अच्छे काम की रहेगी ना तो अपन खरीद लेंगे एंड देन उसको सेल कर देंगे, प्रॉफिट बन जाएगा डायरेक्ट अपना, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई कार अच्छी है, क्या पता जो अपने को कार चाहिए वो नहीं नेबर्स के पास मिल जाए है ना, ये भी हो सकता है भाई, बाकी कुछ पता नहीं है अभी अपने को कि मिलेगी नहीं मिलेगी। सामने वाली कार कुछ देखे देखे लग रही है, डोज चैलेंजर आई थिंक, ये डोज चैलेंजर नहीं है, हाँ डोज ही है, डोज चैलेंजर सीख लग रहे हैं, ये वाली मैं खरीदूंगा नहीं, इसमें प्रॉफिट भी नहीं होता इतना कुछ। तो चलो कोई नहीं, अभी 5 अभी तो 1 बजे अभी टिकट तो अपने पास आएगा, यहाँ पे कोई कार नहीं मिलेगी काम की तो अपन जाके बैठ जाएंगे वहाँ पे, लेकिन हम अभी बैठने से क्या फ़ायदा, एक बार नेबर्स के पास भी देख लेते कोई कार, ये वाली कार मेरे को नहीं चाहिए यार, जो अपने काम की कार है ना वो अपने को मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही थी भाई, है ही नहीं यहाँ पे कोई कार अपने काम की, तो क्या ही स्टेट है। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे कोई कार मिल जाएगी अपन को तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन यार यहाँ पे कोई कार ही नहीं है तो अब क्या ही करें, टाइम तो वेस्ट अपना हो ही गया है। चलो कोई नहीं, वहाँ पे जाके ही वेट करते भाई, उस तो कुछ अपने पास चांस नहीं भाई कि अपन ये घर खरीद सकते हैं, कि इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसके, लेकिन अभी अभी इन चीज़ों में खर्चा नहीं करते अपन है ना, बाद में देखेंगे सब, अपन डायरेक्ट चलते हैं ऑफिस, ऑफिस से मार्क वहाँ पे ऑक्शन पे, और ऑक्शन से फिर वेट करते हैं और तो क्या करेंगे। ऑक्शन पे अभी 2 बजे भाई, 3 घंटे हैं अभी भी, मतलब और 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। आई होप आज यार कोई अपनी जो मतलब निशान GTR मिल जाए, ठीक है, और या फिर वो जो अपने देखी थी ना फरारी वाली भाई, फरारी XXX थी वो कार भाई, लिटरली काफ़ी मस्त कार थी भाई ये कार, टिकट तो अपने पास आई। ओके चलो भाई अब वेट करते हैं, 2.5 घंटे और है, चलो करते हैं वेट। वैस ऑक्शन, ओ भाई चलो फर्स्ट ऑक्शन में स्टार्ट हो, लैम्बोर्गिनी आज का भाई ये खरीदने वाले हूँ क्योंकि इस पर काफ़ी प्रॉफिट बनता है भाई। चलो लेकिन इसके प्राइस तो यार यहाँ पे 4-5 लाख के जाने वाले, चलो इसको तो मैं खरीदने वाला हूँ, फर्स्ट कार ही अच्छी आ चुकी है तो हाँ अच्छी बात है ये भी, बाकी दूसरी कार भी अच्छी आ जाए ना तो वो भी मज़ा, जो अपने को चाहिए ना वो कार आ जाए तो भाई क्या ही कहना, बाकी चलो ये भी अच्छी कार है। चलो भाई इस पे आराम से 2-2.5 लाख का प्रॉफिट बनाएंगे। ये वाली कौन सी है भाई, ये वाली तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी, ये वाली नहीं चाहिए, इसकी तो प्राइस भी कम है, इसको खरीद के भी क्या ही करेंगे, इस पे प्रॉफिट तो बनने वाला है नहीं, बाकी प्रॉफिट तो उस पे बनेगा। चल यहाँ से तो अपनी अच्छी बात हो गई, मतलब यहाँ पे 3 लाख ही अपनी पड़ी है ना, तो इसको मैं अप्रोच 7 लाख की बेच दूंगा, देख रहे हो 7 लाख के बेच दूंगा, दुगना प्रॉफिट भाई, 3 से 4 लाख का दुगना प्रॉफिट भाई, मस्त मस्त एकदम। चलो ये वाले तो अपने दिल खुश हो गए भाई फर्स्ट कार को देख के, सेकंड कार को देख के थोड़ा दिल दुखी हो गया फिर से, लेकिन फर्स्ट कार को देख के दिल खुश हो गया है। चलो अब देखते हैं दूसरी तीसरी कार, देखते कौन सी आती है। ये वाली मैं इसलिए खरीदूँगी यार, इस पर प्रॉफिट यार अंधा प्रॉफिट होता है भाई, मैं तो सबको बोलूँगा प्रॉफिट करना है तो ये वाली कार खरीदो, इसकी जितनी प्राइस बोलेंगे उतने में बिक जाती है भाई। इसको क्या उठा रहे हो, इसको मैं एक मैं मेरे को पता है, एक मैं इस पर बिड लगा दिया ना भाई, ये कार अपने को चिपका देंगे मेरे को पता है, और ये मैं कार खरीदना नहीं चाहता लेकिन मैं बिकेगी नहीं तो क्या फ़ायदा फिर, जो इस पर कितनी बिड लगा रहे हैं भाई लोग, छोटी कार की रहती है बिड भाई, देखती ये वाली कार, ओ भाई ये वाली भी नहीं चाहिए यार, क्या कर रहे हो, अपने दिल वाली कार दो भाई अपने को जो चाहिए भाई, लास्ट वाले में भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ लास्ट वाले में कोई अच्छी कार दे दो, निशान GT दे दो भाई, निशान GT दे दो, या फिर वो लैम्बोर्गिनी भाई, वो सॉरी लैम्बोर्गिनी नहीं फरारी XXX वो वाली कार दे दो भाई प्लीज़ प्लीज़। अरे इसको हटाओ जल्दी जल्दी, इसी के बिट हटाओ जल्दी जल्दी, कितने बिट है इसकी देखो, 2.92 भाई, कितने की स्टार्टिंग प्राइस की 14,000 है, 14,500, और लास्ट बिट इसकी अभी बढ़ी रही है भाई देखो, 17,000 18,214 18,552 18,557 1 19,79 1
19,980। ओ भाई 19,672, 19,694, 64, 20,256, 20,256, 2, 20,253, ले जा। अरे भाई यार मज़े नहीं है भाई, एक ही कार देखो देखने में मज़े भाई, दूसरी तीसरी कार तो यार इधर ऊंट लड्डू सी गई है। जो अपने को चाहिए ना वो नाली कार नहीं आई यार, कहाँ पे कोई एक निशान दे देते या फिर वो दे देते अपनी फरारी, इसको तो क्या ही खरीदे भाई। इस पर प्रॉफिट बन सकता है 10-12 हज़ार रुपये का, खरीद लेते हैं। चलो इस पर प्रॉफिट तो बनेगा 10-12 हज़ार का, इसको रिपेयर उपेयर नहीं कराऊँ, डायरेक्ट जाके सेल कर दूंगा ना। अब देखते कितने इसकी प्राइस, देखते कितने उठाते हैं ये, 10-12 हज़ार का तो प्रॉफिट बनाना है इस पर भाई। ये लो रात हो गई है, कोई नहीं, इसको डायरेक्ट ऑफिस में भेज के इनको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं सुबह से वो लगाऊंगा इनको मैं बीटिन के ना। चलो 30,000 चलो 30,000 में डन हो चुके। दो कार अपन ले लिए यहाँ से है ना। चलो भाई हाँ, दो कार अपन यहाँ से ले लिए हैं और इनको मैं डायरेक्ट भेज देता ना, ये तुम जाओ और ये तुम भी जाओ। चलो भाई मेरे को लगा था यार अपने आज कोई मनपसंद कार आएगी, लेकिन आज कोई मनपसंद कार नहीं यही है। बाकी हाँ अभी इनको जाके सोते हैं भाई, ये तो ऑफिस के बाहर है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अभी तो जाते हैं अपने घर पे और जाके सोते हैं गाइस, क्योंकि यार मेरे को सोचा था कि निशान जीटी आएगी या फिर वो अपनी फ्लैम वो फरारी आएगी भाई, फ्राइड प्लग क्योंकि यार काफ़ी मस्त कार थी भाई वो। गाइस अभी सोते आज अपने 42,000 का प्रॉफिट किया है। तो गाइस गाइस आज की वीडियो में से इतना है यार, मैंने वेट किया था कि यार ऑक्शन में आएगी वो अपने को कार मिलेगी, आज नहीं मिली, लेकिन हाँ आज अपनी काफ़ी प्रॉफिट कर लिया और ऑफिस की अपग्रेड कर लिया। और अब वेट करते हैं भाई अपने को निशान का कलेक्शन करना है, वो यार वो फरारी वाली वो कार थी वो मेरे को बाय करनी है। तो यार मैं देखता हूँ खेलता हूँ वेट करता हूँ तब तक, हाँ मिलती है नहीं मिलती, कितने दिनों में मिलती है भाई। तो गाइस अब आज के लिए सिर्फ, और हाँ अभी तक जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। आपको मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट गेम की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।